बिहार में ठेकुआ एक प्रसिद्ध प्रसाद है, और हमारे बिहार में जो अन्य फसल पैदा होता है गेहूं और चावल, उसमें नए गेहूं का इसका प्रचलन जो है चैती छठ से प्रारंभ है। जो नया गेहूं उत्पन्न होता है उसका आटा बना करके और लाल आकार सूर्य का होता है, और ठेकुआ का जो है सूर्य का आकार का ही बनाकर उसका एक साचा आता है, साचा में ढालकर और उसको बनाया जाता है, और वो तेल में पकाने के बाद लाल हो जाता है। यही आकार से सूर्य का पूजा में रखा जाता है मेन रूप से, और इसी लेकर के लोग ठेकुआ को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसे प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं। नहीं, कुछ जैसे सूर्य की पूजा है तो सूर्य के आकार का होना चाहिए ना, हाँ, इसलिए हाथ से तो सूर्य का आकार नहीं बन सकता है, लेकिन उसका सांचा जो आता है, सांचा से बनाने पे सूर्य का आकार ऑलरेडी तैयार हो जाता है। कुछ ठेकुआ जो है हाथ प्रकार का लंबा होता है, और कुछ जो है गोल भी होता है, और उसी तरह से एक सांचा होता है बना हुआ लकड़ी का, जो कि उसको सांचा में ढाल करके, और सूर्य का आकार भी लाल है और ठेकुआ का आकार भी लाल हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्पण करने के लिए वह ठेकुआ प्रसिद्ध है, और इसको हमारे बिहार से बाहर जो भी रिलेटिव लोग या अगल बगल के लोग रहते हैं तो प्रसाद खाने के लिए लायक रहते हैं कि हमें भी आधा टुकड़ी भी दे दीजिए, इसकी इतनी महत्व है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसमें समझिए कि सूर्य भगवान का उपासना का व्रत किया हुआ है, तो इससे बढ़ के और क्या प्रसाद होगा। एक सामान्य छठ व्रती के घर में एक ठेकुआ बनाने में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है? जैसे आटा है, मीठा है, घीव है, सांचा है, जल है, ये सब युक्त करके और उसको आग पे बनाया जाता है नियम पूर्वक। आम की लकड़ी है, गोबल का गोईठा है, उस पर शुद्धता के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, मिट्टी का चूल्हा पे बनाया जाता है, गैस का चूल्हा पे नहीं बनाया जाता, इसलिए उसको अपवित्र माना जाता है, और मिट्टी का चूल्हा को पवित्र माना जाता है, गोईठा को पवित्र माना जाता है, इसलिए पवित्र रूपी करके और घी में स्पेशल बनाया जाता है। इस तरह से उसकी महत्ता विशेष होती है।